हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पंकज और आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो। ये जो आप देख पा रहे हैं इसे, ये कंटेंट का कंट्रोल पीसीबी है, देख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हमें हमारे एक प्यारे व्यूअर ने भेजा है हमें चेक करने के लिए। तो ये आप देख सक दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये ऐसे रेड में रह रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको चेक करने का प्रोसीडियर मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये जो दो पिंस हैं, यहाँ पे सप्लाई देना है आपको एडाप्टर का, प्लस माइनस। जैसे इस वायरिंग पे यहाँ पे डायग्राम है, देखिए दिया हुआ है प्लस माइनस। ये आउटपुट है पंप के लिए और एसवी के लिए, और ये यूवी लैम्प के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है प्लस माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस। और लोड, ये जो आउटपुट है मोटर का लोड है, वहाँ पे एक मैंने बल्ब लगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये है बल्ब और इसे मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है चेक करने के लिए। और यहाँ पे आउटपुट में यूवी लैंप लगा हुआ है, ये मैंने इसको ढक के रखा है, देख सकते हैं आप। यूवी लैंप ये लगा हुआ है, हमेशा जब चेक करें तो यूवी लैंप को ढक के रखें, ये बहुत हानिकारक होती है आंखों के लिए, स्किन के लिए। तो इसमें रीसेट का इशू था, पीसीबी स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो इसमें रीसेट का इशू था। तो आपको रीसेट करने का इसका दो प्रोसीजर है, बहुत केसेस में नहीं भी होता है स्विच खराब होने के लिए, या अगर स्विच खराब है तो रिसेट नहीं होता है। नहीं तो इसका दो प्रोसेस है। कैसे? अभी ये पावर ऑफ है, आपको ये बटन दबाना है रिसेट का, दबाइए और पावर ऑन करके रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे आपको होल्ड करना है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट आप होल्ड रखेंगे, उसके बाद ऑफ करेंगे। आपका रिसेट अगर हो गया, पीसीबी स्टार्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो और एक प्रोसीडियर है। पहले ऑन करेंगे, पावर आया, उसके बाद रिसेट को दबाना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आपको होल्ड करके रखना है 3 मिनट, 2 से 3 मिनट। तो इन दोनों प्रोसेस में कोई एक सिस्टम में आपका रिसेट हो जाता है, डिपेंड करता है आपका फॉल्ट क्या है, लेकिन जनरली मुझे जितना मिला है इस तरह रिसेट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसे रिसेट किया कर दिया है और ये रेडी हो गई है। देखिए अभी रेड आ रही है, फिर आपका यूवी लैम्प, देखिए ये ग्लो किया यूवी लैम्प। ठीक है, इसको मैंने ढक के रखा हुआ है, देखिए पीसीबी ऑन हो गया, ये ग्रीन हो गया। ये लोड में जो बल्ब है मैंने लगाया है, ये जल रहा है, मतलब यहाँ पे आउटपुट मोटर के लिए और वाल्व के लिए आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इसका टेस्टिंग प्रोसीडियर। बस ये एक ईजी प्रोसेस है इसका रिसेट का। आप कोई भी मॉडल रिसेट करते हैं तो यही प्रोसेस होता है, लगभग कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप मुझे पीसी भेजना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं पीसीबी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मेरा जो नंबर दिया हुआ है उस पे आप व्हाट्सएप पे मुझे भी क्वेरी भेज सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कैंट का एक कंट्रोल पीसीबी, जो हमारे ही एक व्यूअर ने भेजा हुआ है, प्यारे व्यूअर ने, और ये चेक हमने कर दिया है, रेडी हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।